मेयर प्रत्याशी कुमार अंकेश राज और पप्पू शाह ने आज मुख्य अतिथि के रूप में झरिया कोलफील्ड बचाओ समिति के कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों से झरिया बचाने के लिए एकत्रित होने के लिए अपील की और उन्होंने कहा झरिया को हर संभव से बैंक मोड़ के रेट से 4 गुना मुआवजा देकर झरिया को किसी अच्छे जगह पर बसाना चाहिए, न कि बेलगड़िया में। BCCL द्वारा बिल्डिंग बनाया गया है वह जर्जर है और बड़े भूकंप आने पर कभी भी धराशायी हो सकता है, तो जान माल को खतरे में डालकर झरिया वासियों को खतरे में डालना चाहता है और उजाड़ कर झरिया वालों की रोजी रोटी छीनना चाहता है। अगर झरिया को बचाना है तो उचित मुआवजा दे करके किसी अच्छी जगह में बसाना होगा जहां झरिया का चौमुखी विकास हो सके। ऐसा BCCL नहीं करता है तो मैं झरिया वासियों को लेकर के आंदोलन भी करूंगा, परंतु झरिया को जाने नहीं दूंगा। ऐसा BCCL करने की सोचे भी ना। नेताओं कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं और झरिया वासियों का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस मंच की ओर से कोई गलत काम नहीं, बल्कि जो झरिया को उजाड़ने का काम किया जा रहा है उसको बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर जो जोरदार जो है वो आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि झरिया की आबादी 3 लाख और इसके इर्द गिर्द मिला करके कम से कम 6-7 लाख यहाँ की आबादी है और इतनी सहज पूर्वक से हम झरिया को उजड़ने नहीं देंगे, क्योंकि झरिया का ही पहचान से जो है पूरे धनबाद का, पूरे कोलफील्ड का पहचान है। अच्छा, पूरे धनबाद का जो अस्तित्व खत्म करने से पहले कि झरिया को जो भी विस्थापन करेंगे उसका सबसे पहले यहाँ के आंकड़ा के हिसाब से एक बड़े बड़े जो धनबाद का एकदम पौश इलाका है बैंक मोड़ या हीरापुर, उसके मुआवजे के 4 गुना मुआवजा दे करके बसाने का काम एक ऐसे जगह में करना है जहाँ जो है झरिया का जो है विकसित हो सके, फल फूल सके, यहाँ का व्यापारी वहाँ खुशी पूर्वक जो है व्यापार करके और इससे भी ज़्यादा जो है धन कमा सके, आर्थिक लाभ मिल सके। ऐसा नहीं कि झरिया को उठा करके किसी के दाल खाते में और टापू इलाके में फेंक दे, सुदूर इलाके में, जहाँ से जो यहाँ के लोग जो है अपने आप वहाँ से भाग निकले। और आज जो बेलगड़िया का जो क्वार्टर है जिसे बसाने का कोशिश किया जा रहा है, आज देख रहे होंगे उसके 8 इंच का पिलर जो है जर्जर स्थिति में है, 2-3 बरने से पहले वो ऐसी स्थिति में है कि छोटी सी भी अगर 6-7 रिक्टर पैमाने का भूकंप आता है तो तुरंत जो है बेलगड़िया का क्वार्टर धराशायी हो गया।